हेलो बच्चों, कैसे हैं? चलिए, मॉर्निंग हो चुकी है और इस वक्त 5:30 बजे हैं सुबह। आई एम गोइंग टू माई जिम और बस अब आप सबसे एक गुजारिश करने की इल्तिज़ा लेकर आया हूँ कि प्लीज़ यार, अब नई शुरुआत कर दो। और अपन ने जो भी गलतियाँ की थी या जैसा भी था, मतलब गलतियाँ नहीं, अपन ने मेहनत की, स्टिल अपन फेल हुए, बट यार अब जो भी है बेटा, अब आगे बढ़ने का टाइम आ गया। अब प्लीज़ आगे बढ़ जाएं अपन। अब जो भी चीज़ें हुई, जो भी उल्टा सीधा हुआ या जो जैसा भी हुआ, अल्टीमेटली हम किसी कारणवश एग्ज़ाम में फेल हो गए। सरेंडर करना या गिव अप करना इज़ नॉट द राइट चॉइस मेरे हिसाब से। गिव अप करके कुछ होने वाला नहीं है बच्चों। आज फिर से उठ खड़े होइए, फिर से नई हिम्मत बांधिए, नई उम्मीद के साथ मेरे ख्याल से शुरू कर देना चाहिए कि यार अब बस मेरा टाइम आ चुका है। अब कोई नेगेटिव स्टेटमेंट यूज़ नहीं होगा कि नहीं क्लियर होगा या जैसा भी है। अब सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ मेरे हिसाब से अभी क्लियर कर देना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। सो और मेरे हिसाब से अभी बस एक ही गुजारिश मेरी आपसे रहेगी कि मेक श्योर कि आप जो अपनी मॉर्निंग्स होती हैं उनका सबसे अच्छा यूज़ करें। मॉर्निंग्स को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें। मॉर्निंग्स मेरे को लगता है कि सबसे अच्छा टाइम होता है पढ़ने का। और आप सबको ग्रुप 1 की प्रिपरेशन कैसे करनी है, ग्रुप 2 की प्रिपरेशन कैसे करनी है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ग्रुप 1 में अगर फेल हो गए तो क्या होगा, ग्रुप 2 लेक्चर कैसे देखना है, पढ़ाई कैसे करनी है, इन सब की स्ट्रेटजी, एक हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी कि सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट कब लाना चाहिए, किस सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये सारी चीज़ें बच्चों, मैंने एक डिटेल 10 पेज का टाइम टेबल बनाया हुआ है। सारे कॉम्बिनेशन मतलब उसमें मैंने मैच किए हैं कि अगर आपने दोनों ग्रुप दिए थे, आप दोनों ग्रुप में फेल हो गए तो आप पढ़ाई कैसे करें, क्लास के साथ जून तक सिलेबस कैसे ख़त्म करें। बच्चों एवरीथिंग हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी मैंने सेट की हुई है बच्चों। सो जस्ट आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे 4x8 30 4x6 जो मेरा नंबर है, आप उस पर मुझे व्हाट्सएप करेंगे और आप उस पर लिखेंगे कि आई वॉन्ट स्ट्रेटजी फॉर बोथ द ग्रुप्स, टाइम टेबल फॉर बोथ द ग्रुप्स या सिंगल ग्रुप, वॉट एवर योर ग्रुप में भी। और जून 2022 में आपको एग्जाम देना है बच्चों। मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से वो स्ट्रेटजी शेयर करूंगा, पॉइंट नंबर 1। जो बच्चे ऑलरेडी मेरे साथ टच में, मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे जो हैं मेरे से ऑलरेडी टच में हैं, उन बच्चों के लिए वो मेरा व्हाट्सएप स्टेटस चेक करेंगे। आज दोपहर के बाद से वो स्ट्रेटजी वहाँ पे व्हाट्सएप स्टेटस में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक रहेगा वहाँ पे। और बस अब उठ खड़े होइए बच्चों, अब हारना नहीं है, अब भगवान को भी बोल दीजिए कि आपका टाइम आ चुका है। और बढ़िया सुबह उठने की आदत डालिए बच्चों, सुबह 4 बजे, लाइक मैं 4:30 बजे उठ जाता हूँ सुबह, 4:30 4:15 को मैं उठ जाता हूँ। सो और दिन भर बच्चों CS बन गया हूँ, 11 साल हो गए बन के बच्चों, बट स्टिल 11 नहीं बच्चों, आई एम सॉरी बट 13-15 साल हो गए CS बन के, तो बट स्टिल लाइफ में हसल चालू है, भागम भाग चालू है बच्चों, स्ट्रगल चालू है और चालू ही रहेगा स्ट्रगल जब तक सांसें चल रही हैं बच्चों। तो बस आप लोग थोड़ी सी पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और बच्चों डिस्ट्रैक्ट मत हो, ये थोड़ा सा इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंश्योर कीजिए कि जहाँ पे मतलब जो जहाँ पे भी आपने फालतू का वक्त ज़ाया किया है, दोस्त हो गए, इन सब चीज़ों से अलग हो जाइए। और मेक श्योर कीजिए कि मोटिवेटेड रहें, चार्ज्ड अप रहें। और बच्चों निकलता है एग्ज़ाम, मेरी बात मानिए कि CS थोड़ी सी स्ट्रेटजी बना के गए तो CS का एग्ज़ाम निकालना बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। बस थोड़ा सा डिसिप्लिन, अनुशासन, इन सारी चीज़ों का पालन कीजिए। मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम का अकाउंट तो बिल्कुल बंद ही कर दीजिए, मतलब इंस्टाग्राम वगैरह तो, क्योंकि बहुत टाइम वेस्टिंग है बच्चों वो, तो मन डिस्ट्रैक्ट होता है। राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए और ओवरऑल बच्चों एक अच्छा माइंडसेट बहुत ज़रूरी है, मतलब एक एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है कि मैं क्लियर करूँगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए।
क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को क्लियर करते देखा है अभी कि मैं आपको क्या बताऊं। तो प्लीज बच्चों, हिम्मत मत हारिए, निराश मत होइए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपको लक्ष्य पाना है तो बस पढ़ाई से कर लो प्रीत, तो बस पढ़ाई कीजिए, क्योंकि बच्चों टूटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। बच्चों आपको पता होगा, तो मुझे पता है कि आप निराश हैं, आपका मन टूटा है, बट बच्चों प्लीज, मतलब मुझे रात भर नींद नहीं आई कल आप सबके बारे में सोच के कि यार मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नहीं निकाल पाए। जिन लोगों ने अपने पास किए हैं बच्चों, उनको तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अभी, वो तो अपनी दुनिया में मशगूल है, मशहूर है, खुश है। बट आप लोग थोड़ा सा बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, स्टार्ट कीजिए बच्चों। वी आर देयर विथ यू, मैं हो गया, सुभान सर हो गए, और भी बाकी की कोचिंग क्लासेस जहाँ से भी आपने क्लास ली थी बच्चों, हर एक क्लास मेरे ख्याल से आपके साथ ही है अभी। और बस हारना नहीं है बच्चों, हारना नहीं है, मतलब अच्छा टाइम बच्चों, अच्छा टाइम तो आ ही चुका है मेरे ख्याल से, अपन सबका अच्छा टाइम है, और अपन हारेंगे नहीं बच्चों, बस लड़ना है। और ज़िंदगी तो बच्चों, ज़िंदगी इम्तहान लेती ही है, बस हारना नहीं है बच्चों। ज़िंदगी के इस इम्तहान में हमें जीतना है, क्योंकि अगर हम एक बार हार गए तो हारना हमारी फितरत बन जाएगा, आदत बन जाएगा, और वैसा नहीं होने देना है हमें बच्चों। तो प्लीज़ बच्चों, अपने बड़े भैया मतलब दुष्यंत सर से एक चीज़, मतलब बहुत सारी चीज़ें तो नहीं है मेरे पास कि आप मेरे से सीख सकें, बट एक चीज़ मैं आपसे बोलूँगा कि सुबह उठने की आदत डालिए, गेट अप इन द मॉर्निंग एट 4:30। आप हो सकता है रात को भी पढ़ाई करते हो, तो भी मेरा सजेशन एक बार लेके देखिए, मॉर्निंग में पढ़ के देखिए, यू विल रियली एन्जॉय। सो बच्चों, मेरी ज़िंदगी, मेरे दिन की पहली बिल्डिंग, मेरा जिम आ चुका है, मैं यहाँ पे एक घंटे जी तोड़ कसरत करूँगा, क्योंकि पूरे दिन भर तो होता नहीं है बच्चों, और उसके बाद मैं अपनी क्लास जाऊँगा। मेरी गाड़ी की लाइट मैंने चालू छोड़ दी है। सो बस कीप वर्किंग हार्ड बच्चों, कीप वर्किंग हार्ड, और उठ खड़े होइए बच्चों, उठ खड़े होइए, क्योंकि और कल तो आपके सारे रिश्तेदारों के फ़ोन आए होंगे, जिसने आपसे 10 साल से बात नहीं की उसका ही फ़ोन आएगा, उसको जब पता चल गया होगा आप फेल हुए हैं, तो फेलियर में तो पूरा ज़माना कॉल करता है आपको। सो जस्ट मेक श्योर कि 2 महीने में 2.5 महीने में आप अपनी लाइफ चेंज कीजिए बच्चों। सो 2.5 मंथ्स में यू विल बी एबल टू चेंज योर लाइफ। बस अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई कीजिए, बिलीव कीजिए हम आपके साथ हैं, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, बस खड़े हो जाइए, चलो 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 खड़े हो जाओ जल्दी से, हिम्मत मत हारो, निराश मत हो, इट्स योर टाइम, आपका टाइम आ चुका है, आग लगाओ बच्चों। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।